वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, गीता अमृत दुहे नमः। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय का यह सुंदर सभागार और इसमें आयोजित एक परम सुंदर कार्यक्रम श्रीमद् भगवद् गीता जीवन प्रबंधन विषय को लेकर यह संगोष्ठी जो श्री गीता जयंती आयोजन उत्सव आयोजन समिति कानपुर के द्वारा आयोजित है। इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित राष्ट्रवाद पर और भारत के मूल तत्व पर अपना चिंतन, अपना प्रखर चिंतन ओजस्वीता के साथ रखने की क्षमता जिनके पास है, ऐसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी या इस विश्वविद्यालय के बहुत कर्मठ या यूं कहें कि स्वयं ही गीता के कर्म योग को जीवन में आचरित किए हुए प्रोफेसर विनय पाठक जी आज के इस आयोजन के मूल में जिनका संकल्प और केवल आयोजन के ही नहीं गीता जयंती उत्सव को और भगवद गीता की प्रेरणाओं को एक व्यवहारिक वैचारिक और वैज्ञानिक स्वरूप में व्यापक प्रेरणा बनाने का जिनके भीतर का एक संकल्प पिछले वर्ष भी हम सब ने देखा, अनुभव किया, पूरे कानपुर ने और समस्त गीता प्रेमियों ने, ऐसे डॉक्टर उमेश पालीवाल जी, मुख्तारुल अमीन जी और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी शुभेच्छुजन समक्ष भी हम देख रहे हैं कि कानपुर के विभिन्न संस्थाओं के बहुत विशिष्ट जन, प्रबुद्ध जन अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हैं। कोई चिकित्सा क्षेत्र से, कोई शिक्षा क्षेत्र से, न्याय व्यवसाय और अन्य अन्य क्षेत्रों से भी सब शुभेच्छुजन समक्ष जो उपस्थित हैं और भारत के युवा ऊर्जा बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, यह देखकर निश्चित अपार आनंद हो रहा है। जहाँ तक बात है भगवद गीता की, सबसे पहली बात तो यह है कि गीता हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है और अपनी आस्था पर गर्व और गौरव निश्चित रूप से हम सब को है ही, होना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ यह भी बहुत स्पष्ट है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता समूची मानवता के लिए। विश्व का यह एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो आस्था है हिंदुओं की, लेकिन 700 श्लोकों में कहीं आप हिंदू शब्द नहीं पाएंगे। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में जब गीता पर चर्चा होने लगी, किसी ने प्रश्न कर दिया कि हिंदुओं का ग्रंथ और यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों? तब वहाँ के कुलपति ने एक बात की, ह्यूस्टन की बात है, वहाँ के कुलपति ने एक बात कही कि मुझे पूरी गीता में यदि कहीं कोई हिंदू शब्द लिखा हुआ दिखा देगा तो
तो मैं बिल्कुल गीता की बात आगे से यहाँ नहीं करूँगा। और किसी के पास कोई उत्तर था नहीं, क्योंकि ऐसी बात केवल संकीर्ण सोच वाला ही कोई करेगा, जहाँ सोच उदार स्वरूप ले लेती है, जहाँ सोच खुला रूप ले लेती है, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न और भगवद गीता को लेकर प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ जिस ग्रंथ में सर्वभूत हिते रतः की बात आई है, आप देखें सब प्राणियों के हित की बात, और जहाँ स्वयं भगवान ये कहते हों कि पार्थ बिना किसी भेदभाव के समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति ना प्रियः, अर्जुन मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से लगाव विशेष नहीं, क्यों? क्योंकि सब मेरी संतान हैं, सब मेरे से हैं और सब में मैं समान रूप से हूँ पार्थ। और इसीलिए भगवद गीता समूची मानवता की प्रेरणा है। गीता हमारे भारत का निस्संदेह एक गौरव ग्रंथ है, लेकिन यह भी स्पष्ट है भारत से बाहर बहुत देशों में ये बात कही गई कि गीता केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, केवल भारत के लिए ही नहीं, गीता पूरे विश्व के लिए है, गीता सबके लिए है। और ये बात केवल यहाँ प्रवचन के लिए और केवल यहाँ तालियां सुनने के लिए ही नहीं कही जा रही, ये बिल्कुल सत्य स्थिति है। क्योंकि आज पूरे विश्व में जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, उन समस्याओं का तर्कसंगत वैचारिक और वैज्ञानिक समाधान यदि कहीं है तो वो भगवद गीता में है। आज से 5160 वर्ष पूर्व दिया गया कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पर यह उपदेश, ये जो गणना आपको कही जा रही है, ये महाभारत के उद्योग पर्व से बिल्कुल स्पष्ट गणना है कि गीता उपदेश को 5160 वर्ष का समय हो चुका है जब गीता उपदेश दिया गया था। लेकिन तब जो एक अर्जुन के साथ जो समस्याएं बनी, जिन समस्याओं के अधीन उस समय एक अकेला अर्जुन हुआ, वही समस्याएं आज एक वैश्विक रोग के रूप में, एक वैश्विक समस्या के रूप में, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम के रूप में वही समस्याएं आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। संकीर्ण मोह के कारण अर्जुन शोक में आया, तनावग्रस्त हुआ, दबाव में आया और धीरे धीरे विषाद में आ गया। प्रथम अध्याय गीता का अर्जुन विषाद योग के रूप में हम पढ़ते हैं, अर्जुन का विषाद चरम पर शोक संविघ्न मानसः। और यदि आज की स्थितियां देखें, जीवन निश्चित अनमोल है, जीवन निश्चित दुर्लभ है, जीवन निश्चित मनुष्य जीवन ईश्वरीय कृपा का एक विशिष्ट उपहार है ये मनुष्य जीवन। लेकिन इस जीवन को सही ना समझ पाने के कारण, जीवन के तत्व को ना समझ पाने के कारण ये जीवन अव्यवस्थित सा हुआ जा रहा है। वरना मनुष्य जीवन और निराशा, हताशा, विषाद की स्थिति और बड़ी पीड़ा उस समय होती है जब ये सुनने में आता है कि 17 साल के किशोर ने आत्महत्या कर ली, जब ये सुनने में आता है 15 और 20 साल के बीच की आयु के युवक किशोर डिप्रेशन में आते हुए, छोटी छोटी बात में टेंशन लेते हुए, टेंशन बनते हुए जब ये दिखाई देने लगता है, तो लगता है किसके भरोसे, किसके बल पर हम समृद्ध, स्वस्थ, सबल राष्ट्र के भविष्य के निर्माण की बात कर पाएंगे यदि भारत की युवा ऊर्जा ही डिप्रेशन में आने लगे, या ये सुसाइडल रेट भारत में बढ़ने लगा और वह भी युवाओं में। कोटा में कुछ समय पूर्व हमारा जाना हुआ,
एक ही वर्ष में अनेक छात्रों ने सुसाइड कमिट कर लिया। बड़ा सीधा संवाद 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स के साथ हुआ, चर्चा हुई और हमने कहा कि इतना अनमोल जीवन और जीवन में भी जीवन का यह स्वर्णिम समय, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो है, ये युवावस्था, उसको आप इतना शीघ्र छोटी छोटी बात पे आप टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में बिताओगे तो कैसे भविष्य निर्माण की ओर कोई आगे बढ़ पाएगा। तो लगा, सबने पूछा कि ऐसा हो जाता है, हम क्या करें और क्यों हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का यह एक वैश्विक आह्वान का मंत्र, इसको आप समझें, विचारें। आपको केवल जीवन प्रबंधन की नहीं, अनेक प्रकार के प्रबंधन जो गीता में हैं, लाइफ मैनेजमेंट है गीता में, स्ट्रेस मैनेजमेंट है गीता में, माइंड मैनेजमेंट है गीता में, बिजनेस मैनेजमेंट है गीता में। और सत्य ये है कि ऐसी कौन सी मैनेजमेंट है जिसका वर्णन गीता में नहीं। स्किल मैनेजमेंट है गीता में, और जिस ढंग से स्किल मैनेजमेंट गीता में है पूरे विश्व में नहीं। अभी एक कहीं सुधांशु जी कार्यक्रम था डिजिटलाइजेशन को लेकर के, तो हमने वहाँ एक बात कही कि ये डिजिटल भी जो है, इसमें भी यदि DI और लास्ट का शब्द L इसे आप अलग करो तो बीच में क्या रह जाता है। हाँ, तालियों, ताली वाले समझ गए जिन्होंने ताली बजाई है। DI और L को अलग करो तो बीच में चार अक्षर, जो चार अल्फाबेट रहते हैं, वो गीता है। तो हमने कहा, और DIL क्या हुआ, दिल। हमने कहा दिल में गीता रखकर आगे बढ़ोगे तो ये डिजिटलाइजेशन जो है, ये ग्लोबलाइजेशन में पूरी तरह भारतीयता का एक मजबूत आधार बनेगा। और जो जीवन में चाहिए, जिसके बिना ये जीवन अधूरा है। अब विचार करके देखें, जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, साधन हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, जीवन में आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि एक अधूरा जीवन हम जी रहे हैं, है या नहीं? सब कुछ हो लेकिन पीस ऑफ माइंड ना हो, मन की शांति नहीं है, मन वेवरिंग में है, मन डिजेक्शन में है, मन कहीं हर समय निराशा में है, कहीं कहीं बिखराव, अलगाव, भटकाव, दुर्भाव, यही सब छाया हुआ है मन के अंदर, तो कैसा जीवन हम जी रहे हैं? इसे तो एक मैनेज्ड लाइफ आप कहेंगे? आप इसे क्या व्यवस्थित जीवन मानेंगे इसको? आप बिल्कुल नहीं। गीता वो ग्रंथ है जो जीवन की एक सही परिभाषा हम सब के आगे प्रस्तुत करता है कि जीवन, वेस्टर्न फिलॉसफी ने जीवन को केवल ये बाहर का ढांचा माना, ये फिजिकल सेटअप, गेटअप, बस यही, दिस इज बी आर एंड ऑल ऑफ लाइफ, यही जीवन है। और इसीलिए आप देखेंगे मेटेरियलिस्टिक साइंस में जितनी डेवलपमेंट्स हुई वो केवल शरीर की सुविधाओं तक सीमित रह गए। ठीक है या नहीं? किसी शॉपिंग मॉल में आप जाकर के देखें, वहां जो कुछ भी आपको मिलेगा गीता के अनुसार ही कहें तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, पांच इंद्रिय विषयों की तृप्ति के साधन मिलेंगे, मन के लिए कुछ नहीं। कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जाके पूछना कि मेरा मन अशांत रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल है नहीं, हर समय मन घिरा घिरा सा रहता है, उसके लिए आपके यहाँ कौन सा काउंटर है? क्या किसी शॉपिंग मॉल में मन के लिए कोई काउंटर होगा क्या? विश्व भर में कहीं नहीं होगा। वो काउंटर है भगवद गीता। और इसीलिए गीता ने कहा कि जीवन केवल ये फिजिकल बॉडी ही लाइफ नहीं है। इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा, ये जीवन है। इंद्रियों से आगे मन है जो विचार करता है, मन से आगे बुद्धि है जो निर्णय करती है, ये भारत का दर्शन। और बुद्धि के आगे यो बुद्धे परतस्तु सा चेतना है
जो सोल है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है अंदर, जो इस जीवन का संचालन करती है, जिसके बिना जीवन अधूरा है, और वो जीवन की ऊर्जा है। तो मैनेजमेंट क्या है? आत्मा जो सर्वोच्च पावर है, उससे आप एनर्जी लें। हमारे से कहीं एक कॉलेज में किसी कहीं स्टूडेंट से साथ थे हम, कि इन्हें पूछा, जब हमने कहा थोड़ा मेडिटेशन किया करो टू गेट द माइंड एनर्जेटिक चार्ज्ड, मेडिटेशन करो। जब उन्होंने कहा क्यों करें मेडिटेशन, तो हमने कहा कि देखो, जैसे मोबाइल को रोज़ पावर के साथ कनेक्ट करते हो, मोबाइल पावर से एनर्जी लेकर चार्ज होता है, दिन भर साथ निभाता है, तो ऐसे ही सुप्रीम पावर जो सुप्रीम सोल है, उससे कनेक्टिविटी जो है वही मेडिटेशन है। उससे आप मन कनेक्ट करोगे, माइंड विल गेट चार्ज, मन को ऊर्जा मिलेगी, और वहाँ से ऊर्जा लेकर फिर बुद्धि निर्णय करे। ये गीता की मैनेजमेंट है। बुद्धि जब तक सही निर्णय नहीं करेगी, मन प्लानिंग किसकी करेगा बताओ? कर पाएगा मन प्लानिंग कुछ? जैसे डिसीजन आपने लिया कि हम आज वहाँ चलेंगे यूनिवर्सिटी में, और गीता पे जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित निर्णय हुआ, फिर आपने प्लान किया होगा, और अब आप शरीर से यहाँ हैं। बिल्कुल यही बुद्धि का निर्णय स्थिर हो, उसके बाद मन के द्वारा अच्छे ढंग से प्लानिंग हो, और ये शरीर एग्जीक्यूशन करने के लिए है, एक क्रम के साथ चलेंगे तो गीता की मैनेजमेंट अच्छी मिलेगी। मैं 2-3 मिनट की बात समय की सीमा में ही, जो कर्मण्येवाधिकार रस्ते की बात हमने कही, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म क्यों होंगे, कर्म करने का अर्थ क्या रहेगा अगर इच्छा नहीं होगी? तो हमने कहा गीता इतना संकीर्ण सोच का ग्रंथ नहीं कि आपको इतनी संकीर्णता में बांधे। गीता की सोच बहुत व्यापक है, बहुत उदार है, बहुत उच्च है, और इसीलिए गीता का यह मंत्र जो है, हमें लगता है कि यह मंत्र, एक ही मंत्र यदि भारत की हर व्यवस्था के साथ जुड़ जाए, जुड़ रहा है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे आयोजन और ऐसे ऐसे भाव जो हैं, निश्चित वो वातावरण बना रहे हैं। तो यह एक मंत्र जो है, एक अर्थ तो यह है, कर्म करो जो वर्तमान में तुम्हारे हाथ में है, भविष्य की चिंता मत करो, क्या मिलना है उसकी चिंता नहीं, मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, बेस्ट दे सकता हूँ, अपनी पूरी ऊर्जा वहाँ लगाओ, मिलने की चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप भविष्य अपनी चिंता कर लेगा। एक अर्थ यह है, एक अर्थ यह है इसी श्लोक का, मुझे क्या मिलेगा ये एक संकीर्ण सोच है, मैं क्या दे सकता हूँ समाज को, गीता की सोच, भारत की सोच सदैव से ये रही है कि मैं राष्ट्र को, समाज को, जहाँ मैं हूँ, अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ। जब ये सोच होगी, आप प्रैक्टिकली आजमा कर देखना, केवल प्रवचन नहीं है ये, क्षमताएं विकसित होंगी, निश्चित रूप से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, और व्यवस्था सम्मान पाएगी, राष्ट्र सम्मान पाएगा, और निश्चित रूप से मानवता की मुस्कान बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होगी। जब हर क्षेत्र में सोचे, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटमार, अनीति, अराजकता, अशांति, ये केवल इस सोच की देन, प्रदूषण तक हर क्षेत्र में प्रदूषण, ये केवल इस सोच की देन है। जब कुछ भी करने से पहले मुझे अधिक से अधिक क्या मिलेगा, ये सोच बना ली, जब मिलेगा तो मैं क्या दे सकता हूँ, सोच बंद हो जाएगी। तो इसलिए गीता सोच को व्यापक प्रेरणा बनाने का ग्रंथ है। आज ऐसे समय में, जबकि पहले से ही राष्ट्र स्वाभिमान की ओर बढ़ रहा है, हमें भी सुधांशु जी से कह रहे थे कि 2 ही दिन पूर्व हम कहीं बैठे थे, और वैसे टीवी बहुत नाम मत देखने का स्वभाव नहीं है, लेकिन कभी कोई विशेष समाचार हो केवल उतने तक ही टीवी के आगे बैठने का स्वभाव है। तो हम बैठे कहीं, तो वहाँ टीवी पे लगभग 6:30 का समय था, तो सुधांशु जी से पूछा गया कि 5 सूत्र आप भी बताओ राष्ट्र, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक सूत्र जो बताया, इन्होंने उसमें से एक बताया कि एक राष्ट्र स्वाभिमान, क्यों सुधांशु जी जैसे ही था, राष्ट्र स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव बढ़ाने के लिए जो भी होगा हम करेंगे। और उसमें उन्होंने बताया कि राम मंदिर
बन रहा है, उसे उन्होंने बताया महाकाल का कॉरिडोर। तो हम बस अंतिम बात ये कह करके कि इस बादल सूर्य को कभी कभी ढक तो लेते हैं, लेकिन सूर्य लगातार बादलों में ढका रहे ये क्षमता बादलों में नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हवाएं चलती हैं, बादल छिन्न भिन्न होते हैं और सूर्य की आभा फिर से प्रकट होती है। आज वो समय है देश में जहां अनुकूल हवाएं चलती दिख रही हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थगत संकीर्णताओं के बादल छट रहे हैं, तुष्टिकरण के बादल छटते हुए दिख रहे हैं और फिर से भारतीय आभा पूरे विश्व में अपना आलोक फैलाने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई दे रही है। कहीं राम मंदिर निर्माण के रूप में, कहीं धारा 370 हटने के रूप में, कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और अब कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और कानपुर में। यह भी उसी दिशा का एक प्रयास है कि ये गीता महोत्सव कहीं 151 किलोमीटर की मानव श्रृंखला गीता के साथ, फिर 251 हो गई, अब 501 का लक्ष्य है और धीरे धीरे ये मानव श्रृंखला केवल मात्र प्रदर्शन नहीं है, केवल शक्ति प्रदर्शन हमारा स्वभाव नहीं है, ये इस प्रदर्शन में भी विश्व बंधुत्व का दर्शन होगा, इस प्रदर्शन में भी हमारी आस्था का दर्शन जो समूचे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता है, ये मानव श्रृंखला धीरे धीरे उस दिव्यता की ओर बढ़ेगी ऐसा विश्वास है। अभी यहाँ के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी से बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटी में गीता जी आज विराजित की गई, गीता जी का ब्रज संस्करण, और गीता पर यहाँ कुछ शोध हो, गीता पर यहाँ PhD हो, तो अपनी संस्था जियो गीता उसके लिए पूरी तरह से यहाँ शोध कार्यों के लिए या स्वयं हमारी भी जब आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए बिल्कुल साथ रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट गीता पर PhD या विशेष शोध करेंगे उनको जियो गीता के द्वारा जिस स्तर से भी होगा उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का निश्चित रूप से भाव साथ रहेगा। आप गीता पढ़ें, आगे बढ़ें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। गीता जयंती उत्सव समिति के लिए डॉक्टर उमेश पालीवाल जी के संकल्प और उनके सभी सहयोगियों के सद्भाव के लिए हमारी ढेरों ढेरों शुभकामना मंगल कामना। ओम शक्ति। धन्यवाद स्वामी जी।